आज मैं आपको फैक्ट सुनाने वाला हूं। इस सीरीज में 22 से 23 मिनट के 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में 3 कहानियां दिखाई गई हैं। यह शो एक तरह से हमें नॉस्टैल्जिक फीलिंग देता है और इस सीरीज में ओनली 1917 तक की ही टेक्नोलॉजी दिखाई गई है और इस सीरीज की एनिमेशन भी ओल्ड स्कूल मतलब कि पहले की ज़माने की तरह रखी गई है, जो कि हमें बचपन की याद दिलाता है और फील भी देता है। इस सीरीज़ के कैरेक्टर्स की बात करें तो इस सीरीज़ में मेन फोकस रखा गया है स्नूपी पर, जो कि एक एंथ्रोफॉर्मिक डॉगी है। एंथ्रोफॉर्मिक मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हों। बाकी डॉगी से अलग स्नूपी अपनी इमेजिनेशन में खोया रहता है। अगले कैरेक्टर की बात करें तो वो है चार्ली ब्राउन। चार्ली ब्राउन की बात करें तो वो एक नॉर्मल किड है जो कि हमेशा पूछता है कि उसका डॉगी नॉर्मल डॉगी की तरह क्यों नहीं है। अगले कैरेक्टर की बात करें तो वो है लूसी, जो कि इस सीरीज़ में मेजर फीमेल कैरेक्टर है। लूसी का कैरेक्टर काफ़ी मैच्योर है, जो कि स्किन ग्लो के लिए ओटमील स्क्रब लगाती है और लूसी का एक साइकेट्रिक बूथ भी है जिसमें कि वह कुछ सेंट्स के बदले अपनी राय दूसरे बच्चों को देती है, बिल्कुल ही एक थेरेपिस्ट की तरह। अगले कैरेक्टर की बात करें तो वो है फ्रैंकलिन, जिसे कि मिट्टी में खेलना बड़ा पसंद है और कॉमिक्स में फ्रैंकलिन पहले अफ्रीकन अमेरिकन कैरेक्टर था, जिसकी वजह से स्ट्रिप के क्रिएटर चार्ल्स एम स्कल्स को कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। कई लोगों को लगा कि स्कल्स ने फ्रैंकलिन के कैरेक्टर को पॉलिटिकल मीन्स के लिए जोड़ा है। इस कंट्रोवर्सी पर स्कल्स ने कहा कि यह जोक रेसिस्ट मीनिंग के लिए नहीं था। और इस स्ट्रिप के 12 साल बाद जब एक यूज़र ने इस स्ट्रिप के रिकॉर्डिंग मिस्टर स्कल्स को लेटर भेजा तो उन्होंने उस पर बहुत रूखा जवाब दिया। अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ें तो वो है लाइनस, जो कि छोटा भाई है लूसी का और उसको अपने कंबल के साथ रहना बहुत पसंद है। इस सीरीज़ में अगला कैरेक्टर है सैली, जो कि छोटी बहन है चार्ली ब्राउन की और उसको क्रश है लाइनस पर। इस सीरीज़ में अगला कैरेक्टर है मार्सी, जो कि किताबी कीड़ा है जो हर जगह एक बुक ले आना पसंद करती है, चाहे वो मूवी हॉल हो या पार्क हो। इस सीरीज़ में हमारी लास्ट कैरेक्टर है पेपरमिंट, जो कि एक टॉमबॉय है और स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छी है और उसकी बेस्ट फ्रेंड है मार्सी। इस सीरीज़ में कोई भी एडल्ट कैरेक्टर नहीं दिखाया गया है, लेकिन पहले एपिसोड के थर्ड पार्ट में हमें रेफरेंस मिला मिस ऑथमर का, जो कि एक ओरिजिनल पिनिटिस्ट्रिक्स में भी अनसीन कैरेक्टर ही थी और मिस ऑथमर क्रश है लाइनस का। और सीरीज़ में उनकी प्रेजेंस दिखाई गई थी एक ट्रम्पेट म्यूजिक के द्वारा और उनका फेवरेट स्टूडेंट भी लाइनस था। सीरीज़ में एक और अनसीन कैरेक्टर है रेड हेड गर्ल, जो कि क्रश है चार्ली ब्राउन का, लेकिन वो एक एडल्ट नहीं है। इस सीरीज़ में स्नूपी हमेशा अपने घर की छत पर बैठकर ही सारे काम करता हुआ दिखाया गया है। इस सीरीज़ में कभी भी स्नूपी के घर का इंटीरियर नहीं दिखाया गया, लेकिन कॉमिक स्ट्रिप में कई बार स्नूपी के घर का इंटीरियर दिखाया गया है। और ईयर 1981 में आई एक स्पेशल एपिसोड इट्स मैजिक चार्ली ब्राउन में स्नूपी के घर का इंटीरियर दिखाया गया है, जिसमें कि स्नूपी की कई पर्सनल बिलोंगिंग्स, मेडल्स और एक एल्केमी लैब भी दिखाई गई है। यह शो पीनट स्ट्रिप वाली ओरिजिनल स्टोरी ही यूज़ करता है और इस सीरीज़ में क्रिएटर्स चाहते थे कि ऑडियंस को इस सीरीज़ के बेसिक्स शुरू में ही पता चल जाएं, जिससे कि वो इस शो से जल्दी जुड़ सकें। जैसे कि पहले ही एपिसोड में हमें पता चला कि चार्ली ब्राउन स्नूपी से कैसे मिला और आखिर स्नूपी अपनी बेस्ट फ्रेंड वुडस्टॉक से कैसे मिला। वैसे तो स्नूपी एक एंथ्रोफॉर्मिक डॉगी है जो कि काफ़ी फ्रेंडली है और फनी है और वो और सारे डॉगीज से अलग है और वह कभी भी नॉर्मल डॉगी की तरह बिहेव नहीं करता। लेकिन इस सीरीज़ के 5वें एपिसोड के 2nd पार्ट यानी नेवर बार्गेन विद अ बीगल में स्नूपी अपनी डॉग वाली एबिलिटी यूज़ करता है फिश बोल को फ्रैंकलिन से बचाने के लिए। चार्ल्स एम स्कल्स म्यूजियम में कई परमानेंट स्नूपी एग्जीबिशंस हैं, जिसमें कि एक लाइफ साइज डॉग हाउस और एक स्नूपी के हेड की शेप की मेज भी है। और टोक्यो में तो एक स्नूपी का ऑफिशियल म्यूजियम है जहाँ पर स्नूपी का एक्सक्लूसिव कलेक्शन अवेलेबल है।